हेलो फ्रेंड्स वेलकम वन सेकेंड टू द हैदर एजुकेशनल वर्ल्ड हम साइक्लॉट का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं और क्वेश्चन ये रहा आपके सामने अ सर्कल ऑफ 50 एम एम डायर रोल्स ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर द हाफ रिवॉल्यूशन एंड फॉर द रिमेनिंग हाफ रिवॉल्यूशन रोल्स ऑन अ वर्टिकल लाइन ड्रॉ द कर्व तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक सर्कल जो है वो हॉरिजोटल लाइन पर हाफ रिवॉल्यूशन के लिए चल रहा है और फिर बची हुई हाफ रिवॉल्यूशन के लिए वर्टिकल लाइन पर चल रहा है तो सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं जिसका रेडियस हमारे पास ट्वेंटी फाइव mm है एक पॉइंट ले लिया सेंटर पॉइंट और सर्कल बनाया अब सर्कल बनाने के बाद इसके ट्वेल्व इक्वल पार्ट्स करते हैं जैसे हम साइक्लॉइड बनाने के लिए करते हैं नाउ आफ्टर दैट ट्वेल्व इक्वल पार्ट्स करने के बाद हमारे पास ये रहा पॉइंट जिसकी हमें प्रोफाइल बनानी है। नाउ अब हम निकालते हैं सरकम 25 अगर रेडियस है तो सरकम आप निकालिएगा आपके पास सरकम आया 157 और अब हमें यहां से एक लाइन ड्रॉ करनी है हाफ रिवॉल्यूशन के लिए तो 157 का हाफ कितना होगा 78.5 तो 78.5 के बराबर एक लाइन ये ड्रॉ करी अब इस लाइन को हमें नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हम कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो आंसर है अगर ये हाफ रिवोल्यूशन है तो हम इसके सिक्स इक्वल पार्ट्स करते हैं लाइन डिवीजन मेथड से तो जल्दी से हम इसके सिक्स इक्वल पार्ट्स कर लेंगे ये मैंने यहाँ पर सिक्स इक्वल पार्ट कर लिए नाव इतना करने के बाद सर्कल की नेमिंग तो सर्कल पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टाइन अलेवन और ये रहा ट्वेल्व बेस लाइन की नेमिंग वन डैश टू डैश थ्री डैश फोर डैश फाइव डैश और ये रहा आपके पास बेटा सिक्स डैश इतना करने के बाद अब आप यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन सिक्स से खींचिए ड्रॉ करें और इस सिक्स डैश से तो इसको एक रेक्टेंगल के अंदर बंद कर लेंगे हम ये हमने एक रेक्टेंगल में बंद कर लिया नाउ आफ्टर दैट अब ड्राफ्टर को पी और सिक्स डैश के पैरल रख के टाइट करिए अब 11 से एक लाइन खींचिए तो जो 1 से होते हुए जाएगी कुछ इस तरह से ठीक इसी तरह 10 से लाइन खींचे तो ये 2 से जाएगी और 9 और 3 एक लाइन में है ही 8 और 4 आ गया और 7 और 5 ये सब ऑरिजोंटल लाइन खींचने के बाद अब आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे 5 डैश फोर डैश थ्री डैश और वन डैश से तो ये देखिए मैंने वर्टिकल लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी सभी पॉइंट से अब गौर से देखें जब ये लाइनें सेंटर वाली लाइन से जहां इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इस सेंटर की अगली पोजीशन ये आई जिसका नाम C1 वन यहां पर आपको मिला C1 ठीक इसी तरह ये C2 इसके बाद ये C3 C4 C5 एंड C6 सिक्स नाउ फाइनली अब फ्रेंड्स अब हमें कर्व प्लॉट करना है तो कर्व प्लॉट करने के लिए हम क्या करें हम सबसे पहले कंपास उठाते हैं प्रकार और रेडियस ऑफ सर्कल मेजर करते हैं 25 फाइव mm. और निडल ऑफ कंपास C1 पे रखेंगे और पहला आर्क 11 और 1 से जाने वाली लाइन पे कट किया जाएगा C1 पे निडल ऑफ कंपास और पहला आर्क यहां कट किया जाएगा ये देखिए फ्रेंड्स ये रहा आपके पास पहला आर्क आ चुका है अब C2 पे प्रकार और टेन और टू वाले पर दूसरा आर्क कट करें ठीक इसी तरह सी थ्री सी फोर सी फाइव और सी सिक्स से लास्ट आर्क यहां आ जाएगा इन सभी को ज्वाइन कर दें तो एक स्मूथ कर्व आपके पास आ जाएगा ये रहा हाफ रिवॉल्यूशन के लिए अब हमें क्या करना है अब हमारा सर्कल रोल होते हुए C से C6 पर पहुंच चुका है तो यहां पर C6 पे एक सेम डायमेंशन का सर्कल बना दीजिए 25 फाइव mm. इस सर्कल को भी 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो देखिए मैं इस सर्कल के 12 इक्वल पार्ट्स कर देता हूं नाउ ये मैंने 12 इक्वल पार्ट्स इस सर्कल के कर दिए इतना करने के बाद अब मुझे इस सर्कल को वर्टिकल लाइन पर चलाना है वर्टिकल लाइन मतलब ये सर्कल अब वर्टिकली ऊपर जाएगा कितनी रेवोल्यूशन के लिए हाफ तो मैं क्या करूंगा यहां से एक लाइन और ड्रॉ करूंगा कितनी बड़ी सोचिए 78.5। फिर उस लाइन को सिक्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा क्योंकि सिक्स यहां कर चुका था अब सिक्स पार्ट्स यहां से करूंगा तो ये मैंने लाइन खींची सिक्स इक्वल पार्ट्स भी कर दिए नाउ इतना करने के बाद अब आप इसको एक रेक्टेंगल में बंद करें और जैसा कंस्ट्रक्शन आपने यहाँ किया था वैसा वर्टिकली दोहरा दीजिए मतलब पहले यहाँ से एक रेक्टेंगल में मैं इसको बंद करूंगा फिर इन सभी पॉइंट से ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँगा और यहाँ से सर्कल से वर्टिकल लाइन तो गौर से देखिए ये कुछ ऐसा आपके सामने नजर आएगा इतना करने के बाद अब नेमिंग करें तो देखें फ्रेंड्स ये रहा सेवन डैश एट डैश नाइन डैश टेन डैश 11- और ये है 12- क्यों क्योंकि 6- यहां आ चुका था ये रहा 7 8 9. अब सेंटर पॉइंट की लिए C6 ये है तो ये वाला पॉइंट होना चाहिए C7 तो देखें फ्रेंड्स ये C7 ये C8 ये C9 C10 C11 C12 12 पॉइंट आपके पास आ चुके हैं अब आपको आगे कर्व बनाना है आपने लास्ट आर्क कहां से लगाया था C6 से कौन सा वाला ये और पहला आर्क कौन सा था C1 से ये वाला तो C6 से लास्ट आर्क आप लगा चुके हो अब आपको आर्क लगाना है C7 से अब बेटा बहुत ध्यान से देखना है सोचिए ये सर्कल ऊपर जा रहा है इस लाइन पर चल रहा है तो अब आप बताइए ये जो पॉइंट यहां पहुंच चुका है ये P पॉइंट जो यहां पहुंच चुका है अगर सर्कल ऊपर की तरफ जाएगा तो ये P पॉइंट नीचे गिरेगा अब ये P पॉइंट नीचे की तरफ आएगा तो C7 पे कंपास रखें और इस लाइन पर पहला आर्क लगाइए इस लाइन पर तो C7 पे प्रकार रखकर 25 mm का रेडियस लेकर पहला आर्क ये लगाया अब C8 पे पर प्रकार रखिए और इस लाइन के नीचे दैट मीनस ये वाली लाइन पर आर्क लगाया जाएगा तो ये देखिए C8 से एक आर्क ये अब जब मैं C9 पे प्रकार रखकर आर्क लगाऊंगा तो जो मेरा आर्क होगा वो 9- डैश पर एग्जैक्टली टच करेगा तो देखिए यहां आएगा नाउ अब C10 से जब आप आए तो वापस इधर कहीं आपका आर्क लगेगा तो ये रहा आपके पास सी से आर्क फिर सी से इस लाइन पर कहीं यहां और फिर सी ट्वेल्व पे प्रकार रखिए और सेंटर वाले पे आर्ट लगा दीजिए देखिए आपके पास 12 पॉइंट्स आ चुके हैं सभी को ज्वाइन कर दीजिए फ्रेंड्स ये रहा आपके पास खूबसूरत कर्व हाफ रिवोल्यूशन ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड हाफ ऑन अ वर्टिकल लाइन थैंक यू फ्रेंड्स